तहरीक अदम एतमाद हुकूमती हिकमत अमली तैयार इतिहादियों को खुश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इतिहादी जमातों को खुश करने का फैसला किया। ज़राए का कहना है कि इतिहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा और इतिहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में कमी के लिए कोई जादू का चिराग है तो अपोजिशन बताए। वज़ीरे इत्तला फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल 60 से 95 डॉलर पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। अपोजिशन के पास कोई जादू का चिराग है तो बताए। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में कमी। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिजली की कीमत में 2 रुपये 59 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई। बिल गेट्स पाकिस्तान पहुंच गए, वज़ीर आज़म से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वो पहली बार पाकिस्तान आए हैं। इस्लामाबाद में इन्होंने इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का दौरा किया, जहां इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर शहजाद बेग ने इन्हें ब्रीफिंग दी और कोरोना पोलियो की रोकथाम से मुतालिक इकदाम से आगाह किया। इस मौके पर मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मौजूद थे। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया ने दरख्वास्त में दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की सदा कर दी। अहलिया मोहसिन बेग की जानिब से दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने थाना मरगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। अदालत पुलिस को मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे।